तो भाई अभी मैं पहुंच गया हूँ लाइब्रेरी और भाई मैंने अपना जो वीकली ऑप्शन का एंड था उसको कर लिया और मेरा प्रॉफिट हुआ है। हालांकि इसका एक्सपायरी 2 दिन बाद का था, 27 नवंबर का था, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो 2 दिन पहले ही क्रॉस कर गया, तो फिर मैं इसको यहीं पर क्लोज कर दिया। और भाई अभी मैं गाड़ी को यहाँ पर यूनिवर्सिटी में रख दिया हूँ और अब भाई मैं सीधे जाता हूँ अपने लाइब्रेरी। और भाई यहाँ पर भी गाड़ी रखने का रीजन ये है कि वहां पर तो जगह है नहीं, और अभी मेरे को खाना खाने जाना पड़ेगा, अपना लंच करने जाना पड़ेगा, तो फिर उसके बाद मैं गाड़ी को यहाँ से निकाल लूंगा और भाई 2 से 4 अपने टेस्ट है उसको देने के बाद मैं निकलूंगा घर। और अब मैं जाता हूँ भाई खाना खाने के लिए, 2 बजे से मेरा टेस्ट है और भाई फिर उसके बाद टेस्ट देने के बाद मैं घर निकलूंगा। भाई एक गाड़ी ना बहुत ज्यादा गंदी हो गई यार, इसको धोऊंगा धोऊंगा करके बोलते बोलते भाई इतना लेट हो जा रहा है कि मैं आज घर जाने के बाद ही इसको धोऊंगा। हो सकता है अगर जल्दी आज हो गया अपने टेस्ट तो फिर इसको यहीं धुलवा लूं, लेकिन मेरे को तो नहीं लग रहा है कि मैं जल्दी कर पाऊंगा क्योंकि 4 बजे तक होगा भाई, और 4 बजे तक हो सकता है मैं टेस्ट, तो 4 बजे तक ही कंप्लीट होगा लगता है, उससे पहले तो पॉसिबल नहीं लग रहा है मेरे को, ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ खाना खाने के लिए अपने मैस, उसके बाद फिर निकलेंगे भाई अपन टेस्ट देने के लिए, उसके बाद निकलेंगे घर। तो फिर गाइस अब मैं निकल चुका हूँ अपने घर के लिए और भाई ये सिग्नल में मैं फंसा हुआ हूँ, ये पता नहीं इसमें नहीं दिख रहा है, ये 8 सेकंड बचा हुआ है और इसके बाद अपन निकलते हैं भाई सीधे अपने घर के लिए, मतलब घर के लिए तो निकल ही चुका हूँ, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं और भाई ये रहा कैरियर पॉइंट, थोड़े से आगे में हमारे यहाँ पर नेशनल हाईवे 49 आ जाएगा, मतलब नेशनल हाईवे 49 यही है जिसमें अपन अभी जा रहे हैं, लेकिन भाई इसका जो 4 लेन है ना वो आगे से मिल जाएगा अपन को, वहां से अपन लेफ्ट ले लेंगे, उसके बाद भाई अपन सीधे घर के लिए जाएंगे। और उसका ट्रैफिक भी का झमाला क्या बोले यार, कुछ बोले जो समझना है समझ लेना भाई आप, मैं थोड़ा सा हूँ ऐसी सही से बोलना आता नहीं। तो भाई यहाँ आगे से अपन लेफ्ट लेंगे, वहां से ट्रैफिक का पूरा मामला खत्म हो जाएगा और भाई अपन भगाएंगे और भाई सीधा जल्दी से जल्दी घर पहुंच जाना है, अभी 4:23 हो रहे हैं और भाई मेरे को कुछ भी करके लगभग बहुत बहुत ज्यादा लेट पहुंचूंगा तो फिर 5:23 तक मेरे को पहुंच जाना, जो कि इजीली पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ से, पता है मेरे को। और एक चीज और है भाई, यहाँ पर देखो मतलब पूरा रॉन्ग साइड से ही सब लोग इधर से ओवरटेक किए जा रहे हैं, वो अंकल जो सामने जा रहे हैं वो भी, ये भी इसके पीछे में जो आ रहे थे इनके पीछे में वो भी भाई रॉन्ग साइड से ही ओवरटेक कर रहे थे। अपना भी थोड़ा सा लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं भी कार में इसे कम जाता था हूं, मैं भी बाइक में ही प्रॉपर जाता था हूं, तो भाई अपन तो ऐसा कभी नहीं किए हैं ऐसा हरकत। भाई फिलहाल बढ़ते हैं अपन आगे। भाई फाइनली अपन पहुंच चुके हैं हाईवे में और भाई यहां से लगभग होगा भी 45 किलोमीटर के आसपास अपना घर है, अंधेरा होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे को पता है। यहाँ भाई किसका फोन आ रहा है, ये मेरे भाई का फोन आ रहा है। और भाई एक चीज और है, इसको देख के आप लोग थोड़ा इग्नोर करना, ये भाई मैं इसको धोया नहीं हूँ यार, आज धुलाऊंगा करके बोल रहा था, कल धुलाऊंगा करके बोल रहा था, लेकिन भाई आज अपना टेस्ट था तो फिर बस उसी टेस्ट के चक्कर में ही मैं कुछ कर नहीं पाया इसको धोने का, कल मैं आपको सच बताऊं कल मैं नहाया भी नहीं था,
कल मैं ऐसे ही चेहरा वेरा धो के चला गया था, मम्मी ने फोन किया तो फिर मैंने मम्मी को बोल दिया था कि हाँ मैं नहाया हूँ, लेकिन नहाया नहीं था भाई कल, मैं तबीयत ठीक भी नहीं था इसलिए नहीं नहाया था, और आज लेकिन अच्छे से नहाया हूँ भाई, कपड़ा भी दूसरा चेंज करके पहना हूँ, और बस वैसे गर्मी में कभी मैं स्किप करता नहीं नहाना, लेकिन इस बार किया था भाई। और गाइस इस बार 9 फरवरी को पढ़ रहा है अपना प्रीलिम्स का पेपर, CGPSC प्रीलिम्स का जो अपना पेपर है वो 9 फरवरी को होगा, उसके बाद मैं जाने वाला हूँ। मैं वैसे तो मेरा बता रहा हूँ, मैं मेरा मन है अमरकंटक जाने का, वो भी सोलो का मतलब ऐसा कि एक दिन जाने में लगेगा एक दिन आने में लगेगा, 2-3 दिन में वहां पर रुकूंगा ऐसा जाने का मन हो रहा है, और इसी गाड़ी में जाने का मन हो रहा है, और होटल कहीं मत लूं, इसी गाड़ी में रुकूं, गद्दे वद्दे लगा के इसी में सोऊं मैं, ऐसा मतलब मेरा मन में ऐसा प्लान है। अगर घर में जाने देते हैं अकेले तो फिर अच्छी बात है कि मतलब मेरा मन कर रहा है, और भाई अगर 2 लोग हो गए तो फिर तो वहां जाके मतलब 2 लोग के जैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन मेरा मन तो सच बताऊं तो सोलो करने का है, और 9 फरवरी के बाद अगर अपना, क्योंकि भाई अभी फर्स्ट प्रायोरिटी तो गवर्नमेंट जॉब ही है, भले ही अपन इधर उधर यूट्यूब से कितना भी कर लें, स्टॉक मार्केट से कुछ भी कर लें, लेकिन एक फिक्स इनकम जो आती है, जो सिक्योरिटी देती है, सिक्योरिटी वाली फील, वो भाई गवर्नमेंट जॉब ही देती है, तो फिर अपन को गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अगर प्रीलिम्स हो जाए रहेगा और अपना मेंस में टाइम रहेगा, अगर प्रीलिम्स निकल जाता तो अच्छी बात है कि भाई मेरा सेकंड अटेम्प्ट रहेगा, हो सकता है निकले ना निकले मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन अभी सब इंस्पेक्टर का भी आया है, सब इंस्पेक्टर का भी देना है, सब इंस्पेक्टर का प्रीलिम्स हो सकता है हो जाए रहे 9 फरवरी तक, और उसके बाद अगर हो सकता है उसका मेंस का आ गया टाइम, तो मैं अपना जो प्लान है अमरकंटक का, फिर हो सकता है कहीं और का भी बने, तो फिर उसको मैं कैंसिल करूंगा SI के मेंस तक के लिए। तो भाई जैसा भी है लेकिन जाऊंगा तो कंफर्म जाऊंगा यार, क्योंकि बहुत दिन हो गए मेरे को कहीं जाने का मन हो रहा है, और जा पा नहीं रहा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी घटी, बुरी चीज़ें भी घटी टाइम में, बीच में एक साल से कुछ उतना खास चल भी नहीं रहा था, तो कभी दिक्कतें, कभी अच्छी चीज़ें, कभी बुरी चीज़ें, ऐसी चीज़ें घट रही थी, तो बहुत टाइम से बाहर कहीं दूसरा मतलब अदर स्टेट में बोल सकते हो, या फिर कहीं लॉन्ग टूर में अपन गए नहीं है, तो फिर बस जाने का मन बहुत हो रहा है, तो फिर भाई अपना पढ़ाई के टाइम तक अभी पढ़ाई करते हैं, उसके बाद प्रॉपर पढ़ाई को टाइम दो, ऐसा करके अपना रूटीन अभी चल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि लगभग 10-12-15 दिन तक उसके बाद प्रीलिम्स के बाद अच्छा सा कहीं घूमने के लिए अपना मतलब कम से कम 15 दिन पूरा ऑफ लो हर चीज़ से, और भाई सिर्फ घूमो, पहाड़ों में जाओ, और मतलब पहाड़ों में जाने का मेरा ज़्यादा मन रहता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और रोड ट्रिप करने का मन है इसीलिए मैं अमरकंटक जाने का सोच रहा हूँ, क्योंकि रोड ट्रिप करूँगा तो फिर भाई यहाँ से बहुत दूर दूर को तो अपन कार में बाइक में नहीं जा सकते, तो इसीलिए मैं अमरकंटक मेरे को सही लग रहा है, तो फिर मेरा मन वहीं जाने का है सच बताऊँ तो, 3-4 बार 4-5 बार अपन जा के आए हैं, बहुत अच्छा लगता है यार, लेकिन दोस्त लोग अभी जा पा नहीं रहे तो अलग मतलब हो रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा भाई, मेरे को बहुत ज्यादा जाने का मन हो रहा है इस बार। और फिलहाल तो अपन जा रहे हैं घर, कितने बार कमेंट करोगे, कितने बार बोलेगा भाई घर जा रहा हूँ करके, यहाँ से अपना टोल गेट क्रॉस होता है भाई, ये लगभग बिलासपुर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब यहाँ से अपना घर हो सकता है बहुत ज्यादा मैं 35 किलोमीटर के आसपास हो, 70 के स्पीड में भी कॉन्स्टेंट जाऊंगा तो आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा।